सो हाई गाइज, आज जो है मैं कोशिश कर रहा था इंटेल के एक i5 8600 के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने की एंड आप लोगों को ये दिखाने की गाइज कि एक स्टॉक कूलर जो होता है या फिर जो आफ्टर मार्केट कूलर्स होते हैं एयर वाले, उनके मुकाबले जो AIO है यानी जो ऑल इन वन लिक्विड कूलर्स होते हैं, इनमें हमें टेम्परेचर का कितना डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है हायर टू हायर क्लॉक्स पे। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टेस्ट बेंच जो है सेटअप करके रखा हुआ है जहाँ पे हम इंटेल के i5 8600K को जो है टेस्ट करने वाले हैं। एंड यही पे गाइस जो मदरबोर्ड इस प्रोसेसर को मैं ओवरक्लॉक करने के लिए यहां पे यूज करने वाला हूं वो एसरॉक का एक काफी हाई एंड सीरीज का Z390 ताइची मदरबोर्ड है। इसके अलावा यहां पे गाइस रैम के केस में हम जी स्किल की जो है 3600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली रैम यूज कर रहे हैं, वो भी 32 GB की कैपेसिटी में। वहीं पे गाइस ग्राफिक्स कार्ड तो नॉर्मली हमने सिर्फ जो है VGA आउटपुट के लिए लिया हुआ है क्योंकि जो मेन मैं आपको दिखाने वाला हूं टेम्परेचर्स वो CPU के हैं ना कि GPUs के। तो यहाँ पे GPU मैं आपको बता देता हूँ वैसे मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, ये गैलेक्स का है RTX 2070 सुपर सीरीज का। तो आई गेस काफ़ी अच्छा खासा ये GPU भी यहाँ पे हमने यूज़ करा है इस जो है टेस्ट बेंच के अंदर। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे अगर मैं पावर सप्लाई की बात करता हूँ तो हमने एनटेक की जो है HCG यानी हाई करंट गेमर सीरीज की 1000 वॉट की जो पावर सप्लाई वो यहाँ पे यूज करी हुई है। हाँ मुझे पता है गाइज इट्स अ इनसेन पावर सप्लाई, बट फिलहाल हमारे पास यही थी तो हम यहाँ पे यही यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं डेस्कटॉप की ओर आता हूँ तो सबसे पहले अगर इस वक्त पे जो ये कूलर मास्टर का हाइपर 410R आफ्टर मार्केट कूलर है हमारे पास, तो इसमें हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर्स है वो कितने ज़्यादा जाते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, मैंने ऑलरेडी जो है बायोस के अंदर जाके क्लॉक्स वगैरह को यहाँ पे सेट कर रखा है, पर्सनल कुछ मैंने ट्यूनिंग्स वगैरह करी जिससे यहाँ पे मैं इस प्रोसेसर को स्टेबल 5 GHz पे यहाँ पे रन कर पाया हूँ और ये मैं ऑलरेडी एक बार टेस्ट करके देख चुका था। अब यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप डेस्कटॉप स्क्रीन की ओर देख सकते हो तो मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पे सर। तो हम जो है यहाँ पे ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं गाइस एंड मैं एक जो है टेस्ट रन करने वाला हूँ जो कि काफ़ी फेमस है, क्लासरूम टेस्ट बेंच है। तो यहाँ पे गाइज इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट एंड यहाँ पे गाइज जो क्लॉक फ्रिक्वेंसीज इस वक्त पे हमें टास्क मैनेजर में देखने के लिए मिल जाती है आप देख सकते हो दैट इज अराउंड लाइक 4.97 GHz के आसपास, लाइक ऑलमोस्ट 5 GHz को हिट कर रहा है एंड जो लोड है CPU के ऊपर वो 100% है यानी 100% पे हम इसको रन कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेम्परेचर्स है उसमें काफ़ी जंप आ गया है, यहाँ पे अराउंड आप देख सकते हो 83-85 degrees के आसपास लाइक 6 cores हैं इसके, वो सारे के सारे रन कर रहे हैं एंड ये जो है वो इस वक्त पे कंज्यूम कर रहा है वोल्टेज के मामले में CPU वीक और दैट इज अराउंड 1.36 वोल्ट्स के आसपास। एंड गाइज अगर हम बात करते हैं लाइक पावर कंजप्शन की तो ये जो CPU है इस वक्त पे मैक्सिमम कंज्यूम कर रहा है 140 वॉट्स के आसपास, 135 फ्लक्चुएट कर रहा है एंड आप देख सकते हो सारे के सारे ऑल कोर्स अराउंड 5 GHz के आसपास जो है यहाँ पे चल रहे हैं। तो ऑल कोर 5 GHz पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, हालांकि जो टेम्परेचर्स है उसमें इंक्रीज आता जा रहा है, अराउंड 90 degrees को हम यहाँ पे क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं ये कहूँगा कि जो कूलर मास्टर का ये हाइपर 410R आफ्टर मार्केट कूलर है इसने कम से कम काफ़ी अच्छे हमें टेम्परेचर्स दिए हैं 80-90 के आसपास मैक्सिमम। तो जहाँ तक अगर आप नॉर्मल इंटेल के स्टॉक कूलर की बात करता हूँ मैं तो वो तो थ्रॉटल करने लग जाता है अराउंड 100 degrees तक टेम्परेचर चला जाता है, तो एटलीस्ट इसने थ्रॉटल नहीं करा है बट टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज अब यहाँ पे इसके बाद जो है आप जल्दी से मैं यहाँ पे इस टेस्ट बेंच को बंद कर लेता हूँ एंड हम जो AIO आज यूज़ करने वाले हैं इसी सेम प्रोसेसर को जो है यहाँ पे कूल करने के लिए, तो वो गाइज हमारे पास ओरस का काफ़ी अच्छा खासा 360 mm का रेडिएटर के साथ जो है AIO है और यहाँ पे आपको ट्रिपल फैंस भी 120 mm के देखने के लिए मिल जाएंगे एंड मेरे ख्याल गाइज ये काफ़ी एक अच्छा खासा जो है प्रोडक्ट है इस वक्त में मार्केट में अगर आप कोई AIO परचेज करना चाहते हो। तो हालांकि जो है मैं आपको टेम्परेचर्स भी यहाँ पे दिखाई दूंगा तो हम देख लेंगे कि इसकी जो एफिशिएंसी है कूलिंग की वो कितनी बेटर है। तो जल्दी से गाइज यहाँ पे जो है मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। A few moments later. So गाइज यहाँ पे जो आफ्टर मार्केट कूलर था कूलर मास्टर का हाइपर 410R वो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ एंड गाइज मेरे हिसाब से ये भी एक काफ़ी अच्छा खासा आफ्टर मार्केट कूलर है अगर आप बजट में कोई परचेज करना चाहते हो। इसका एक न्यूअर वर्जन भी आता है हाइपर 212R सिंगल एंड डुअल फैंस के साथ,
तो वो काफ़ी अच्छे कूलर्स हैं यहाँ पे बजट के ऊपर, अगर आप अपने सीपीयू को जो है कूल करना चाहते हो। तो यहाँ पे गाइज मैंने अब इसको जो है रिप्लेस कर दिया है ओरस के जो है 360 mm वाले जो है AIO से, जहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी खासी जो RGB लाइटनिंग है वो भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि गाइज आप कंट्रोल कर सकते हो इनके RGB फ्यूजन सॉफ्टवेयर से, और जो फैन की स्पीड्स वगैरह है वो आप इनका जो ओरस इंजन है उससे कर सकते हो। एंड गाइज सबसे कमाल की चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनका जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक इनबिल्ट डिस्प्ले हमें मिल जाती है, जहाँ पर आप प्रोसेसर की नेमिंग देख सकते हो i5 8600K, एंड जो करंटली टेम्परेचर है इस वक्त पे आइडल 26 डिग्रीज के आसपास वो भी यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर काफ़ी सारे और भी मोड्स मिलते हैं इनके ओरस इंजन सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पे एंथुजियस्ट मोड 1 है, एंथुजियस्ट मोड 2 है, 3 है, तो डिफरेंट तरीके से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इवन गाइज अगर आपके पास कोई अपना लोगो है, लाइक हमारे चैनल का जो BTI लोगो है उसको भी अगर मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ तो जस्ट इनके सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टम इमेज के अंदर अगर आप पुट कर दोगे तो आपका लोगो भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे ओरस ने आप लोगों को दी हुई है। जहाँ तक बात रही गाइस कूलिंग की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वक्त पे जो ये AIO है वो मैं बिल्कुल ही लाइक डिफ़ॉल्ट मोड में यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़ैन जो है वो डिफ़ॉल्ट चल रहा है, पंप भी जो है वो मैं जो है क्वाइट पे रखा हुआ है एकदम, एंड जो फ़ैन स्पीड है 1344 RPM है, पंप स्पीड 1200 RPM के आसपास यहाँ पे चल रहा है। तो अब इसको जो है जिस मोड पे मैं रन करने वाला हूँ गाइज वो है लाइक जो हमारा फ़ैन मोड होगा उसको मैं परफॉर्मेंस पे हिट करने वाला हूँ, जहाँ पे इसकी आप देख सकते हो फ़ैन की जो नॉइज़ है वो थोड़ी सी बढ़ गई होगी बट फिर भी सही है। एंड जो पंप है उसको हम बैलेंस पे चलाने वाले हैं, बैलेंस पे, तो ये एक मेरे ख्याल ठीक ठाक कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे अब अगर हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो उसके लिए फिर से जो हमने उस वक्त पे वहाँ पे टेस्ट करा था ब्लेंडर पे वही सेम यहाँ पे मैं रिपीट करने वाला हूँ गाइज। एंड आप देख सकते हो हमारा जो CPU है वो फिर से 100% लोड पे जा चुका है, टास्क मैनेजर में 4.97 GHz के आसपास ये जंप कर चुका है ऑलरेडी। अब गाइज यहाँ पे अगर मैं वोल्टेजेस की बात करता हूँ तो CPU वी कोर अगेन सेम ही यहाँ पे वोल्टेज ले रहा है 1.36 volts के आसपास। पावर कंजप्शन इज अराउंड 133 और 135 watts के आसपास है। एंड जहाँ तक गाइज अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर्स की, तो जो आइडल था वो अराउंड 26 degrees के आसपास था, एंड यहाँ पे अब ये टेस्ट चलाने के बाद जहाँ पे हमारे जो सारे कोर्स हैं वो 5 GHz पे रन कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर है वो अराउंड 75-77 के आसपास सारे के सारे यहाँ पे रन कर रहे हैं। जहाँ पे गाइस जब हम जो कूलर मास्टर का ये हाइपर 410 आफ्टर मार्केट कूलर था इसको रन कर रहे थे तो वहाँ पे भी आइडल अराउंड 35 degrees के आसपास था और मैक्सिमम ये टच कर रहा था 90-91 degrees के आसपास। एंड यहाँ पे गाइस जो ये AIO है वो 75 degrees से ऊपर नहीं जाने दे रहा है, आप अभी भी देख सकते हो लाइक हमें टेस्ट रन करे लाइक थोड़ा सा तो टाइम हो गया होगा, जहाँ पर आप देख सकते हो 70s में 60s के अंदर हमारे सारे के सारे जो टेम्परेचर्स हैं वो आराम से चल रहे हैं 5 GHz पे। तो मेरे हिसाब से गाइज जो AIO है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो दे देता है, चाहे वो स्टॉक कूलर है या आफ्टर मार्केट कूलर है उनके मुकाबले। अब गाइज यहाँ पे जो 360 mm वाला ये जो AIO है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, आप अगर आपके पास बजट कम है तो आप 240 mm के साथ भी जा सकते हो, वो भी आपको लगभग काफ़ी अच्छी खासी कूलिंग दे देगा। तो यहाँ पे अभी भी हमारा जो है वो 70 degrees को ये क्रॉस नहीं करा है, वो भी गाइज सिर्फ मैंने बैलेंस पे चलाया हुआ है, अगर हम फुल परफॉर्मेंस पे चला देंगे तो उससे क्या होगा कि फ़ैन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, उससे नॉइज़ बढ़ जाएगा कैबिनेट के अंदर, तो वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इससे बेटर है हम इसे जो है परफॉर्मेंस पे चलाएं और पंप को जो है बैलेंस मोड पे चलाएं, तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो उस हिसाब से हमारे टेम्परेचर 70 degrees से ऊपर नहीं जाने वाले, या नहीं अराउंड हम कह सकते हैं गाइस वहाँ 90 था तो 20 degrees आपको लेस टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, वो भी इतने हायर क्लॉक्स पे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है AIO के अंदर। और गाइज अगर आप भी ओरस का ये वाला AIO परचेज करने की सोच रहे हैं तो आपको जो है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, इवन जो ये कूलर मास्टर का हाइपर जो ये आफ्टर मार्केट कूलर था इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी गाइज फिर मैं होप करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो थी वो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, अगर रही है गाइज तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलेगा, साथ ही साथ अगर आपको पसंद नहीं आती किसी भी वजह से, मेरे ख्याल तो ऐसी कोई वजह नहीं होगी, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे,
है। साथ ही साथ अगर आपको टेक रिलेटेड जो है जो चाहे पीसी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है उनसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा फेसबुक ग्रुप भी है बीटीआई स्क्वाड के नाम से, उसका लिंक भी नीचे है, तो डेफिनेटली जाकर उसको चेकआउट करिए, ज्वाइन करिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे कमेंट करिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। बाकी गाइस फिर मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह नमस्कार। व्हाट इज दिस? ये है दबंग, हुड हुड दबंग स्टाइल। स्वागत नहीं करोगे हमारा? बोला गेट हो रहा है, निकल ले बेटा फुर्सत से। स्वागत करो हमारा पहले फुर्सत में, गेट आउट।